नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आव देखाल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि धतूरे का बीज का तेल निकालने का जो विधि है, उस विधि को आप लोग को बताऊँगा, ताकि आप भी अपने घर में इस तरह का धतूरे के बीज से तेल निकाल करके उपयोग करके अपने और अपनों दोस्तों की मदद कर सकें और खुश रह सकें। तो चलिए मैं आप लोग को आज बता ही देता हूं इस धतूरे के बीज का तेल निकालने का तरीका। तो ये जो आप लोग को आज तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ये पताल यंत्र का तरीका है। इस तरीके को पताल यंत्र बोला जाता है। सबसे पहले इस पताल यंत्र को बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसको आप लोग अभी देख पा रहे हो। इस तरह से आप गड्ढा खोद लीजिए, और गड्ढा खोदने के बाद आपको चाहिए इस तरह की सामग्री जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें है एक छोटा कटोरी, जिसे आप छेद करके रख लीजिए, और एक छोटा मिट्टी का बर्तन चाहिए, मटका, और आपको चाहिए लकड़ी और गोबर की कुछ उपले, कंडा आग जलाने के लिए, और माचिस चाहिए आपको, और मिट्टी या फिर पेट्रोल या फिर रबड़, कोई सा भी आग जलाने के लिए, उसको आग को स्टार्ट करने के लिए अच्छे से। और आपको चाहिए धतूरे का बीज, जितना आप ज़रूरत हो उतना ले लीजिए धतूरे का बीज। अब इस तरह के गड्ढा खोदने के बाद इसको देख सकते हैं मैं किस तरह से खोदा हूँ और किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, तो अच्छे से बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग देखते रहिए, समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो खपरा है, इसे खपरा बोला जाता है, तो ये दो खपराओं को आपस में इधर उधर रख के ये गड्ढा खोदे हैं उसमें रख देते हैं। और उसमें रखने के बाद नीचे हम एक और कटोरी रख देते हैं जिसमें तेल टपकेगा, और ये मिट्टी की हांडी में धतूरा का बीज डाल के इसको छेद वाले बर्तन के साथ उलट करके दोनों खपरा के बीच में रखना है। और इस तरह से रखने के बाद दोस्तों, इसे इसके दरवाजे को ईंट से ढक देना है, या फिर किसी भी आपके पास और भी कोई चीज़ ढकने की होगी तो उससे भी आप ढक सकते हैं। और इस तरह से ढकने के बाद चारों तरफ को मिट्टी गीला कर लीजिए, उस मिट्टी से आप पूरी तरह से ढक दीजिए गीला किए हुए मिट्टी से। पूरी तरह से जब ढकने के बाद पूरी तरह से ढक जाए, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, मैं अभी इसको सभी ओर से ढकने की कोशिश कर रहा हूं और ढक रहा हूं, और अच्छे से किसी भी प्रकार की कोई छेद ना बच पाए, इस तरह से पूरी तरह से पैक करना है। और अंदर में आपका जो कटोरी रखे हो वह रहनी चाहिए, और इस तरह से जो छोटा मटका हंडी है वह दिखना चाहिए थोड़ा सा। तो इस तरह से पूरी तरह से लगाने के बाद, ढकने के बाद, आप ऊपर में ये लकड़ियाँ छोटी छोटी जो रखी हुई है उसको डाल दीजिए, और उसको डालने के बाद उसके ऊपर में और अधिक मात्रा में डाल दीजिए, और गोबर के उपले कंडे को भी डाल दीजिए एक साथ, और बहुत भारी मात्रा में रख करके आग लगा दीजिए। आग लगाने के बाद ये जब पूरी तरह से जलेगा, लगभग आपको कम से कम आधा एक घंटे तक इसे जलाना है, और लकड़ी लाला करके डालते रहना है, और एक घंटे तक जलाना आपका काम हो जाएगा। मैंने करीब एक घंटे तक इसमें आग जलाया है, और एक घंटे आग जलाने के बाद आप इसे आग को बुझने दीजिए। जब आग बुझ जाए तो आप इसे हटा करके उसे निकाल करके देख सकते हो। तो चलिए अब इसको आग को हटा करके निकाल के देखते हैं इसके अंदर तेल आया है कि नहीं आया है, और आया है तो कितना आया है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम अभी निकाल रहे हैं, और इसके किनारे किनारे को खोद करके इसमें जो ईंट लगा है उस ईंट को निकालेंगे, उसके बाद धीरे से निकाल के देखेंगे कि तेल कितना आया है और कितनी मात्रा में आया है, देखते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम इसके अंदर हाथ डाल के निकाल के दिखाते हैं आपको। अरे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत कम आया है तेल, इतना मेहनत करने के बावजूद भी इतना कम तेल मिला हमें। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी मात्रा में हमने डाला था धतूरा का बीज और कितना तेल आया है। और आप लोग अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में तेल निकालना चाहते हो तो आपको लगभग आधा एक किलो की मात्रा में इकट्ठा करना होगा धतूरे का बीज, और उसे अच्छे से सुखा करके, सुखाने के बाद ही इस तरह का प्रयोग करना होगा, तभी आपको 50 से 100 ml के बीच में आपको तेल मिल सकता है।
तो आप देख लीजिए इस तरह से तेल निकाला जाता है धतूरे के बीज का। अब मैं आप लोगों को दोस्तों इसके जो फायदे होते हैं उस फायदे का आप लोग को बता देता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये जब तेल आप निकाल लोगे तो इस तेल को आप जैसे ज्वाइंट पेन, गठिया, कमर दर्द होता है ना, तो इन सभी में भी आप इसका लेपन कर सकते हो, इससे भी दर्द खत्म हो जाता है। यह अचूक दर्द निवारक औषधि है। बहुत सारे वैद्य इसी तेल का रिकमेंड करते हैं जो दर्द से पीड़ित रहते हैं उन लोगों के लिए। तो हाथ पैर में जहाँ भी दर्द हो वहाँ पे इस तेल को मालिश कर दीजिए हल्के हल्के, उसके बाद आपका दर्द धीरे धीरे चला जाएगा। लंबा दर्द है तो सप्ताह भर लग सकता है दर्द खत्म होने के लिए, और सामान्य दर्द है तो कुछ ही समय में तुरंत आराम मिल जाता है। और इसका ज़बरदस्त प्रयोग मैं आप लोग को बताता हूँ। मांसपेशियों का जो ढीलापन होता है उसको भी यह पूरी तरह से ठीक करता है। जैसे किसी जगह का मांसपेशी या फिर वहाँ का नस दब गया है तो वहाँ पे यदि लगा देते हो तो वहाँ की जो नसें सिकुड़ जाए रहती है वह नसें फिर से एक्टिव हो जाती है, नसों में उभार आ जाता है और फिर से उसमें रक्त संचार तेज़ी से दौड़ने लगता है, जिससे वहाँ का जो मांसपेशियाँ है वह बहुत ही मजबूत सख्त हो जाती है और तंदुरुस्ती आने लगती है। अगर आप इस धतूरे के तेल को सहवास के टाइम अपने पैर के तलवे में लगाते हो, मतलब पैर के नीचे साइड में दोनों पैर के, अच्छे से 5 मिनट मालिश कर लेना, उसके बाद सहवास करना। और सहवास करते समय आप एक बात और ध्यान देना, अगर आपको चरम सुख की अनुभूति करना है तो देसी घी या फिर कोई सा भी घी, अगर देसी घी ना मिले तो घी लगा करके सहवास करना और पैर के तलवे में ये धतूरे का तेल लगा के सहवास करना। आज मैं आप लोग को एक और नई जानकारी बता रहा हूँ। सहवास करते समय अपने लिंग में घी का लेप करें, घी से पूरी तरह से जड़ तक के उसको अच्छे से मालिश कर लें और उसके बाद पैर के तलवे में ये धतूरे का तेल लगा लें और उसके बाद सहवास करें। निश्चित रूप से आपके टाइमिंग में इतना ज़बरदस्त बदलाव होगा कि आप कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचे होंगे। आप हमेशा याद करोगे इस तरह से प्रयोग करोगे तो कि हमने आपको ये तरीका बताया था। और जब सहवास नहीं करोगे उस दिन आपको इस धतूरे के तेल से अपने लिंग की हल्के हल्के मालिश करते रहना है। लगभग सप्ताह 15 दिन कर लेना। इतना करने के बाद आपको हमेशा के लिए इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सहवास करते समय आपको अगर अच्छा लगे तो घी इस्तेमाल कर सकते हो, देसी घी या फिर मार्केट से खरीदा हुआ घी। इस तरह से करते रहना, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वह आएगी ही नहीं। आप एक क्या कई कई औरतों को खुश कर सकते हो एक ही दिन में। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।